अस्सलाम वालेकुम। तो ये ब्लॉग है संडे का। संडे का मतलब कि कल भी संडे का ही ब्लॉग मैं अपलोड की थी, क्योंकि वो सुबह का था, ये शाम का है। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी संडे के दिन, और लगता है रात से ही हो रही थी, पर मुझे सुबह से दिखा। तो बस थोड़ी बारिश कम हुई तो हम लोग बाहर गए, और जब बाहर गए तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मौसम। और निजार तो बस यूं ही दौड़े चल रहा है इधर उधर इधर उधर। तो बस बाहर घूमने के लिए गए, मौसम थोड़ा सा फील करने गए कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। बस हाँ, दो मतलब पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा ठंडी थी, ठंड अभी बारिश हो रही है ना, ठंडी नहीं है उतना, तो उतना ठंड नहीं लग रहा है जितना मतलब जब बारिश नहीं हो रही तब लग रही थी। तो बस मैं ठंडी कम है ज्यादा ये बता रही हूँ। तो बस अब रूम की तरफ चलते हैं, क्योंकि बस आधा घंटा हो चुका है बाहर, और उससे ज्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि फिर बारिश में ज्यादा हम लोग भीग जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं रूम पर। रूम पर जाकर बनाना है खाना। खाना मतलब क्योंकि लेट तो खाई हूँ, तो अब बनाने के लिए सोच रही है। शाम का बज रहा है, लगता है 3 बज रहे, 4 बज रहे, बस ऐसा अंधेरा लग रहा रात हो गया। तो रूम पर आई तो आलू बॉईल करके रखा था, और मैं सोच रही कि दाल चावल बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, अभी बारिश हो रही थी, पकौड़ा वगैरह बनाती हूँ। तो फिर पहले सोची कि दाल और मतलब कि पालक और दाल और राइस और चिकन विंग्स बनाऊंगी। फिर मेरा मन किया कि नहीं, बारिश तो हो रही है, रोज तो दाल चावल ही खाते हैं, आज कुछ अलग खाते हैं। तो बस पहले दूध बॉयल करने के लिए मैं रख दी हूँ, क्योंकि जो लेकर आई हूँ खीर मिक्स, नहीं फिरनी मिक्स, वो बनाऊंगी। इधर चिकन विंग्स में फ्राई कर रही हूँ, और बनाऊंगी पोटैटो बॉयल करके रख दी, और बहुत ज्यादा पोटैटो बॉयल की, क्योंकि मुझे अभी बनाऊंगी पोटैटो ब्रेड पकौड़ा, और उसके बाद रात में के लिए एक्स्ट्रा बना करके रख दी, क्योंकि रात में अगर कहीं बाहर वगैरह गई या रिटर्न आई तो फिर आलू का पराठा बना लूंगी, अगर नहीं गई तो फिर वो रखा रहेगा, कल बनाऊंगी। यही सोचकर फिर मैं ज्यादा बॉयल कर दी। ये है फिरनी मिक्स, और इसे मैं बनाऊंगी क्योंकि और निशास कह रहा है कि नहीं, अब मीठा बना रही है, नमकीन बना रही है, तो मुझे ना कुछ खट्टा भी खाना है, मतलब स्पाइसी वाला चीज, तो क्या, तो उसको आज आलू कच्चा आलू बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो वो बनाए। ठीक है, आलू तो इतना सारा बॉयल किए, तो फिर इमली दी मैं पानी में थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने के लिए, उसका पल्प निकालने के लिए, और उसके बाद फिर तैयारी शुरू। तो बाहर से आई थी तो सारा चीज मैं तैयारी करके गई थी, बस बाहर से आने के बाद सिर्फ फ्राई ही करना था, तो बस जल्दी जल्दी हो गया, और क्या। तो ये उसकी फिरनी मिक्स का, और मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा नहीं बनाती, थोड़ा बनाती हूँ, फिर थोड़ा बाद में बनाऊंगी। पिछले बार जो बनाई थी खीर मिक्स, वो सेम ही है, सिर्फ मुझे लग रहा है नाम अलग है, पर टेस्ट अच्छा है। तो चलो ये भी ट्राई कर ही लेती हूँ, कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो मुझे तो देख कर लग रहा है कि दोनों सेम है। ये है कि बहुत इजी है, आप अगर झटपट से बनाना चाहते हैं तो बस इसे खरीदे, और यहाँ तो मिल रहा, और कहाँ मतलब पाकिस्तान का तो ये प्रोडक्ट है, वहां तो मिल ही जाएगा, और बाहर और दूसरे जगह पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद दूसरे ब्रांड का मिले, क्योंकि काफी ब्रांड तो अब ये हर चीज बनाती है। इधर चिकन विंग्स फ्राई हो चुका है, और बस ऐसे ही हस्बैंड को चाहिए था। इसमें मैं सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट और चिली सॉस, वेनेगर और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा 3 4 में चिकन रखे हो उसको बेसन में फ्राई करूंगी, तो वो भी थोड़ा टेस्ट करना है तो वो कैसा लगता है और ये कैसा लगता है। ऐसे तो मुझे लग रहा है यही अच्छा लगेगा, बेसन वाला थोड़ा कम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले बेसन में शायद चिकन फ्राई नहीं की, तो इस बार मैं सोच रही करके देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मतलब कि पता होना चाहिए ना कि उसमें इसमें क्या टेस्ट है। तो आज मैं काफी परेशान हो रही हूँ कि मुझे ना बेडरूम का सेट लेना है, और मुझे कहीं पसंद नहीं आ रहा, पसंद और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं पसंद नहीं आ रहा है, बात यह है कि मुझे जैसा चाहिए, जैसे कि जिस तरह का चाहिए कि हाँ बेड ऐसा होना चाहिए इधर यहाँ रूम के हिसाब से, वैसा नहीं मिल रहा है। वैसे तो काफी एक्सपेंसिव भी है, तो उतना महंगा भी नहीं लेना है, और नॉर्मल प्राइस वाली भी एक मतलब 2 3 मार्केट में देखी, तो मुझे वहाँ वो तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा ही नहीं लगा। ये बात है कि उसके जो वार्डरोब की जो डिजाइन थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वाली बात है। तो बस देखे अभी कहाँ कहाँ मैं, आज तो जाने का प्लान है ये ड्रैगन मार्ट जाऊंगी, क्योंकि आज तो संडे है, और पर बारिश हो रही है, पता नहीं हस्बैंड का जाने का मन हो ना हो, फिर भी अभी तो तैयारी चल रही है। और बस पोटैटो उधर मैश करके रखी थी, और चिकन वगैरह पूरा किचन ही फैला था, और मैं इस तरह से ब्रेड को पानी में थोड़ा भिगो कर, और इसमें क्योंकि ये बहुत अच्छा से ये फोल्ड हो जाएगा, और ये फिरनी हो चुका है रेडी। और बस चिकन को मैं ये थोड़ा चिकन को बेसन में करके फ्राई कर ली,
और बस ब्रेड को फ्राई करूंगी। और ये थे हम लोग खाना समझ लें, शाम का नाश्ता समझ लें, बस वही हो गया क्योंकि बच गए थे शाम का लगता 4:30, 4:30 हो गए थे। और हम लोग अब बस खाने पीने के बाद में फिर बनाई कॉफी, और कॉफी पीने के बाद तो बस लग रहा है कि बस ब्लैंकेट पे बस जाऊंगा चुपचाप से आराम से सो जाए। इतना बारिश, इतनी ठंडी मौसम लग रही थी, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं। फिर भी मैं कह रही थी नहीं आज तो संडे है ना और बाहर तो जाना बनता है क्योंकि बेड वगैरह भी तो देखना है। और मैं कल से इनको कह रही हूँ कि अभी इधर आइकिया घुमाए, इधर घुमाए, अभी चलते हैं हम लोग ड्रैगन मार्ट क्योंकि वहां वो चाइनीज मार्केट है। और बस मुझे वो चाइनीज मार्केट नहीं है, वो चाइना का वहाँ प्रोडक्ट मिलता है। वहाँ जितना भी दुकानदार मुझे दिख रहे हैं वो बांग्लादेश का और इंडिया का ही मुझे दिख रहे हैं। पाकिस्तान का तो बहुत कम थे मगर बांग्लादेश का और इंडिया का दिख रहे थे। तो मुझे जो चाइनीज वहाँ कोई नहीं दिखा, फिलिपिनी दिख गए थे। खैर होंगे भी क्योंकि ड्रैगन मार्ट बहुत बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है ना कि माय गॉड उसे पूरा घूमने में पता नहीं एक दिन पूरा टाइम लगेगा या 2 दिन लग जाएगा। और दो मार्केट है, एक नहीं दो मार्केट है। तो फिर हम लोग खाने पीने के बाद निकल चुके थे और बहुत ठंडी ठंडी मौसम को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। मौसम भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा था। ये तो बुर्ज खलीफा वाली एरिया, डाउनटाउन रोड वाली एरिया पूरा दिख रहा है, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो वहाँ जो ड्रैगन मार्ट में आपको हर चीज मिल जाती है, मतलब हर चीज, वो बस आप ये सोच ले कि दुनिया का कौन ऐसा चीज है जो आपको ड्रैगन मार्ट में नहीं मिलती है। मतलब हार्डवेयर से लेकर टॉयज वगैरह, कपड़ा, ये वो, इतनी बड़ी मार्केट है ये ड्रैगन मार्ट। और बाहर से दिख रहा ना ड्रैगन वाले शेप दिया, क्योंकि इतना दूर से मैं वीडियो बनाई तो वो लाइट से सही से आया नहीं। और ये देखिए होम फर्नीचर सेंटर भी यहाँ है तो काफी बड़ी है। तो ये हम लोग 2 में गए थे, 1 में भी नहीं गए थे क्योंकि इतना बड़ा। मैं तो हस्बैंड को बोली कि ड्रैगन मार्ट चले, तो वो बोलते हैं नहीं ड्रैगन मार्ट नहीं जाना, वो जिसके पास काम नहीं है वो फारिग है, वो ड्रैगन मार्ट जाएंगे और बैठ करके घूमते रहेंगे कौन सा सामान किधर है, पूरा मैप देख देख करके मतलब जाना पड़ता है, इतना बड़ा ही है। और ये ड्रैगन मार्ट के फ्रंट के मतलब कि डोर के मेन गेट के सामने इस तरह का ये बना है। तो मैं ये ना रील बना रही थी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती हूँ ये सामने का। और यहाँ मुझे तो इंस्टाग्राम कह रही हूँ, मुझे तो ड्रैगन मार्ट में तो मैं ये दूसरी बार आई, मैं पिछले साल आई थी यहाँ और ये दूसरी बार है। तो मुझे ये झूमर ही इतना खूबसूरत लगता है, मुझे लगता है माय गॉड ये बनाया कौन है इतना खूबसूरत। वो तो वाली बात है, नहीं ताजमहल को जिसने बनाया उसका हाथ कटवा दो, तो बस मुझे वही फील हो रही थी, इतना खूबसूरत लगता है। कुछ अच्छा ना लगे मुझे पर यहाँ ये बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें बच्चे हाथ सेक रहे हैं, बस इतना आग निकल रहा है कि बस हाथ नहीं जल रहा, इतने आग में भी हाथ नहीं जल रहा। ये भी एक डेकोरेशन आइटम ही है, तो इस तरह का लगता है आग निकल रहा है। फिलहाल इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा, धुआं भी नहीं निकल रहा, लाइट है सिर्फ इस तरह का। और यहाँ बेड वगैरह तो देखिए यहाँ भी वही हाल है। तो मुझे इस तरह का ये जो बना है ना नहीं चाहिए, बस ऊन में ही सही, लकड़ी में। हाँ ये मुझे डाइनिंग टेबल इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत। और इस शॉप में ना मुझे डाइनिंग टेबल ही बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस तरह का जो ये सेटअप है ये बहुत बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत अच्छा है। बट ये बड़ी सी टेबल है, इसके डिजाइन भी अच्छे, बट मुझे तो लेना नहीं है तो मैं प्राइस वगैरह नहीं देखी। और बस निजार तो हर जगह टेबल सोफा बेड हर जगह वो ना ट्राई करके देख रहा था, बैठ बैठ करके देख रहा था। तो यहाँ तो दुकानदार भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, बस हम लोग घूम रहे थे और देख रहे थे कि हाँ क्या चीज है, क्योंकि यहाँ दाम पूछने की भी जरूरत नहीं है, हर चीज का दाम ना प्राइस मतलब लगा है, आपको टैग लगा के रखा है। और ये इसकी है डेकोरेशन। तो मैं इस तरह का वीडियो भी इंस्टाग्राम पे बहुत देखती हूँ, इसका वीडियो आता है तो प्यारा लगता है, इसका डेकोरेशन भी प्यारा खूबसूरत है। और फिर इधर मेरी फ्रेंड भी वहां आई हुई थी तो उसे लेना था कालीन, और ये कालीन मुझे इतना पसंद आया, पता है ये इतनी हैवी, इतनी मोटी, इतनी सॉफ्ट, जैसा लगता है जो राजा महाराजा घर में होते हैं ना वैसा। मैं प्राइस पूछी, ये जो सामने लगा है ना ऊपर देख रहे हैं ये व्हाइट वाली नहीं, ये सेम जो रखा है इसके जैसा, बोला 1000 दरम, इंडिया का 20 नहीं 22,000 रुपया रख ले। और ये 4 दरम बोला इतना छोटा का। पर हाँ ड्रैगन मार्ट ना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सस्ता मिलता, हर चीज मुझे महंगा ही लग रहा है। ये कारपेट भी बहुत प्राइस करवाई मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड, पर वो नहीं दिया, प्राइस उसकी सही नहीं थी। और फिर हम लोग वो बेड वगैरह नहीं समझ गया, तो सब लोग घूम फिर करके घर की तरफ निकल चुके हैं। हाँ ये ड्रैगन मार्ट में आप आएंगे तो वो चाइना वाली आपको फील आएगी, क्योंकि इधर का पूरा स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, चाइना की पहचान है, तो इस तरह से लगा। तो फिर आते हुए रास्ते में होम बॉक्स, इधर आ चुके थे होम बॉक्स का कौन सा मॉल था, मुझे मॉल तो नहीं पता,
हस्बैंड को पता, उसी मॉल में ये शॉप थी होमबॉक्स। होमबॉक्स भी तो बहुत अच्छी ब्रांड है। मैं होमबॉक्स का ऑनलाइन पे ही बेड पसंद की थी, तो फिर मुझे ना मुझसे धोखा हो गया। 5 पीस दे रहे थे सेट में सूजी के साथ, कि वार्डरोब भी दे रहे हैं, पर नहीं वो मिरर को जोड़ के दे रहे थे। मैं बोली फिर तो बहुत महंगा आ जाएगा ये, तो इतना प्राइस लेके 3,000 और फिर प्लस 2,000 लिख रहे थे। तो ये मुझे बेड अच्छा लग रहा था निशास के लिए, पर निजार को ये बंग बेड चाहिए। वो कह रहा है निजार के ये दोनों ले ले। मैं बोली नहीं, रूम में प्लेस नहीं है, ये नहीं ले सकते। मैं ये ले सकती हूँ, ये सिंपल सा ठीक है निशास के लिए। तो बस यही सब बातें चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अब देखते हैं कब और कहाँ से लेते हैं, शायद कल का प्लान हो, कल शायद जाके खरीदूंगी। फिर आप लोग से, हाँ फाइनली मैं रूम सेटअप कर लूंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी कैसा है। तो मैं घर आने के बाद आलू पराठा टमाटर की चटनी बनाई। ये थी हमारी आज की ब्लॉग, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। है ना, आप ये टेक केयर।